लखीमपुर वाले हाईवे में हैं और बारिश आ गई कई गंदी वाली, जिससे मैं ये छोटी सी कुटिया है झोपड़ी इसमें रुका हूँ। ये देखो एक बवाल चीज दिखाता हूँ सबसे पहले, ये देखो कतई खतरनाक वीणा बनाया है भयंकर। सब यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं अपने, यहाँ ये दिया के फ्रेंड्स ने और उसके बाद हमने रूम भी ले लिया। ये गंडक नदी है तैयारी वाली अक्सर बढ़िया। अरे जीतते रहो, झुक झुक जियो, झुक झुक जियो, झुक झुक जियो। हेलो दोस्तों, मैं बिरजू चौधरी, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए से ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं धमाकेदार ब्लॉग शूट करने के लिए। कहां जा रहे हैं, कहां कहां कहां? दो दिन पहले पिछले ब्लॉग में बोला था मैंने कि हम कहीं जाने वाले हैं लंबे टूर पे, समथिंग 1200 किलोमीटर लगभग, शायद इतना ही है। तो कमेंट करो कहाँ जा रहे हैं। बाकी देख ही सकते हो सुबह का टाइम है अभी, और मैं घर से 5 बजे निकल गया था, लेकिन थोड़ा बहुत मंदिर के पास रुक गया था, परगुना माता मंदिर के पास, और वहाँ से भी फाइनली चल दिए हैं। अभी व्यू पॉइंट से भी फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ। और भाई इतना लंबा सफ़र है कि मतलब सोच सोच के ऐसी घबराहट हो रही थी ना घर पे, तो बट अब सही हो रहा है, चलाते टाइम बाइक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोहाघाट पहुँचने वाले हैं और ये देख सकते हो कि बारिश आ गई भयंकर। क्या होगा आगे यार, खतरनाक ही सीन हो गया फिर ये तो। और बारिश नहीं रुकी तो हम जाएंगे कैसे, अभी तो लोहाघाट ही हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो चलती से 2 किलोमीटर पीछे का कुछ ऐसा सीन है। अभी तक काम जा रही है, नया पुल बन रहा है बट अभी बना नहीं है पूरा, और ये जब तक यहाँ से रास्ता बनाया जाने के लिए। तो फ्रेंड्स जो जो टनकपुर आया उसको याद ही होगा ये वाला रास्ता, जो ठीक है पहाड़ से निकलते ही वाला सीधा वाला रोड पड़ता है। तो हम फाइनली टनकपुर पहुंचने वाले हैं। फाइव किलोमीटर गाइस, सारे रिकॉर्ड में यही तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, देखो अभी कैसे। 125 128 130 132 तो ऐसा भी मतलब हम गए 38 तक लास्ट गए, उसके बाद छठा गियर डालना पड़ता बट मैंने डाला नहीं, आगे पे थोड़ा गाड़ियां थी। तो फ्रेंड्स अब हम टनकपुर से निकल चुके हैं और मिलने वाला है फुल हाईवे 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 हाईवे, तो हम बढ़िया गोली बना के टेकेंगे ठीक है। बस डर इस बात की है कहीं आगे ना चले जाए, क्योंकि रास्ता किस पता तो है नहीं, कभी मेरे को पता नहीं होता। देहरादून जाता हूँ, लोकेशन मैप ऐप देख के जाता हूँ, इस बार बिहार जा रहा हूँ तो पता नहीं कैसे जाने वाले हैं। तो लोकेशन तो देख दिया है बट पहले हम खटीमा चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हम कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे टाइगर रिजर्व के पे, और अभी हम जा रहे थे यहाँ से पालमपुर, अभी शायद यहाँ से रास्ता कट रहा ऊपर को, क्योंकि ये तो सारा जंगल ही जंगल है। तो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर यहाँ को। तो फ्रेंड्स अभी हम लखीमपुर भी नहीं पहुँचे थे, देख सकते लखीमपुर वाले हाईवे में हम, और बारिश आ गई कई गंदी वाली, जिसमें ये छोटी सी कुटिया है झोपड़ी इसमें रुका हूँ। अरे हमारी साइड हो देखो, देख रही है भयंकर की, क्या करें बट बारिश रुकती है फिर चलते हैं, क्योंकि ऐसे भीग के अभी नज़दीक थोड़ा जाना बहुत लंबा सफ़र है। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में, जब तक वेट करते हैं बारिश रुकने का फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात यार, एक
इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, मतलब बारिश को उससे कई गंदा वाला सीन हो गया है। मतलब ऐसा हो गया कि मैं पूरा भीग गया हूँ, और वो भी कम से कम नहीं भी तो इतनी तेज़ बारिश में मैंने कम से कम 1.5 से 2 घंटे राइड किया है यार। अब रुक भी नहीं सकते, इतने दूर भी जाना है तो भीग के राइड किया है पूरा। पूरे कपड़े अभी भी जूते देख सकते हो, गीले हो गए पूरे, और मैं ही पूरा गीला हो गया हूँ, जूते में तो पचपच हो रही है पानी की। ऊपर से लोकेशन अलग देखनी पड़ रही है बार बार। यार सीन ही ख़राब हो रखा है यार गाइस। तो फ्रेंड्स, यूपी के पुलिस का अलग ही जलवा है, देख सकते हो बिना हेलमेट के बुलेट में और बढ़िया अपाची में, ये देखो अलग ही जलवा है यार यहाँ के। और उत्तराखंड में है यार एक भयंकर के डबल हेलमेट, पता नहीं क्या क्या ऊपर से वगैरह वगैरह, दुनिया भर का चालान क्या कहें। पुलिस यहाँ खुद बिना हेलमेट के घूम रही है यूपी में, तो प्लेन्सों का अलग ही है रोला यार। फ्रेंड्स, ये हम पहुँच गए हैं कि देख सकते हो घाघरा नदी, यह है घाघरा नदी जो उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरती है, देख सकते हो। अभी फिलहाल तो पानी कम है इसमें, बाकी बहुत बढ़ गया। पुल ही देख सकते हो कितना बड़ा है पुल, और ये देख सकते हो एरिया दूर दूर तक, मतलब पूरा नदी नदी दिख रही है। इस साइड पे देख सकते हो ये पुल बना है। चलो फाइनली आज घाघरा नदी भी देख रही है, घाघरा नदी। तो गाइस ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हो इधर से आ रही है इस साइड से, ये देखो कतई रफ्तार में भयंकर। ये देखो भाई इतनी लंबी है ना ये, देख सकते हो, और कितनी स्पीड में जा रही है, भयंकर ही भगा रखी है यार ड्राइवर, हैवी ड्राइवर लग रहा है कतई हमारी तरह। ये चलो अब खुल जाएगा फटाफट से, हम भी रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब पहुँचे भी नहीं अभी अयोध्या, और अंधेरा हो गया देख सकते हो, क्योंकि मैं बारिश की वजह से नहीं भी तो 3-4 घंटे लेट हो रखा हूँ, बहुत ज़्यादा यार। मुझे अभी तक मतलब अयोध्या पार करके मुझे गोरखपुर के लिए निकल जाना चाहिए था, मतलब पहुँचने वाला होता उधर भी शायद, क्या पता मैं, बट काफ़ी लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वैसे तो मैं, जिसको भी पता ये क्या चीज़ निकलती है यहाँ पे वो कमेंट करके बताना। जय श्री राम। काफ़ी शानदार है यार, फुल डीजे जे के साथ मस्त तरीके से एकदम लाइटिंग करी हुई। एक बवाल चीज दिखाता हूँ सबसे पहले, ये देखो कतई खतरनाक वीणा बनाया है भयंकर, सब यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। अभी टाइम मिलेगा तो हम भी घूमने आएंगे यार थोड़ी देर टहलने के लिए, काफ़ी सुंदर प्यारा सा नज़ारा देखने। सबसे पहले रूम देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी होटल आ गए हैं रूम चेकआउट करने के लिए, रूम देखते हैं। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है यार, क्यों बैठो फिर थोड़ी देर बैठो फिर चलोगे। पधारो सर जी, अरे बैठो यार कहाँ जा। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी मैं पहुँचा था अयोध्या, फिर वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिले, तो अभी सब्सक्राइबर भी बन गए अपने नए, और अभी मैंने रूम भी ले लिया है, तो रूम भी दिखाता हूँ, आप फ्रेंड्स से भी मिलवाता हूँ। ये देख सकते हो अपने यहाँ अयोध्या के फ्रेंड्स ने, और उसके बाद हमने रूम भी ले लिया ये। बस अब यहाँ पे रुकने वाला हूँ, नाइट में स्टे यहाँ पे करूँगा, फिर उसके बाद चलेंगे सुबह को गोरखपुर, फिर उसके बाद अपने ठिकाने पे घर चलेंगे। तो फ्रेंड्स मतलब अब यहाँ से निकलते हैं, फुल रेडी हो गए हम, और काफ़ी गर्मी है यार यहाँ पे, और सामान भी पैक हो चुका है देख सकते हो, ये अपना सामान भी पैक कर दिया है सारा, बस ये पहनना है ये सब चीज़ें अभी, बाकी बैग पैक हो गया है, और मैं रेडी हूँ जाने के लिए, शूज़ पहनने बच गया है, बाकी चलते निकलते हैं अब यहाँ से। श्री राम भगवान का नाम लेके और निकलते हैं यहाँ से गोरखपुर को। जय श्री राम। अभी यहाँ से है गोरखपुर लगभग 131 किलोमीटर, तो अभी हो रहा है 10:39, तो देखते हैं कितने देर में टेक लेते हैं, तो चलते हैं गाइस। भैया कोल्ड ड्रिंक छोटा लेनी है क्या?
तो फ्रेंड्स अब लग गई है प्यास थोड़ी सी भयंकर, काफ़ी धूप हो रही है यहाँ, इतनी गर्मी है ना, कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पीते हैं फिर चलते हैं आगे को। बस बस हो गई। तो फ्रेंड्स अब फाइनली हम मतलब गोरखपुर पहुंच गए थे और यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट किया मैंने यार, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ, हालत ख़राब हो जा रही है और यहाँ तो मतलब पारा इतना हाई रहता है कि यहाँ रेड अलर्ट भी रहता है। बीच में मैं सुन रहा था रेड अलर्ट था इधर, पता नहीं अभी भी है या नहीं है, कुछ पता नहीं है, बट मैं गोरखपुर से निकल चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। और फ्रेंड्स मतलब रास्ते में आम आम के पेड़ देख के ना, मतलब जो आम लटके हैं ना उसमें आए हुए हैं, मुझे अपने बगीचे की याद आ रही है यार। तो जाके अपने बगीचे में तो घुसना ही बनता ही है क्यों, बट ये ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस ढंग से मतलब फुल। यार फ्रेंड्स मतलब ऐसे ऐसे रास्तों से आया हूँ ना मैं, भयंकर गड्ढे भरे, दिमाग ख़राब हो गया है, इतना टाइम वेस्ट हो गया ना मेरा, सब कवर कर देता हूँ सर। और इस गाड़ी का क्रेजी अलग है गाइस, यहाँ तो भयंकर ऐसे देख रहे ना लोग, खतरनाक। और साउंड तो ऐसा आ रहा है ना शैडो का, भयंकर खुल गई है शैडो अब अच्छे से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये नज़ारा भयंकर खतरनाक वाला, कितना प्यारा सा लग रहा है, दूर दूर तक भयंकर कुछ नहीं है, ओनली पानी, मतलब पानी तो कम है, मतलब सूख गया है, नदी है बहुत बड़ी वाली, पता नहीं कुछ गंडक नदी है शायद तैयारी वाली, अक्सर पढ़ते होगे तो आप लोग जीके के क्वेश्चन में, गंडक नदी वही है ये, दिखा देता हूँ देख लो, और मैं भी देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली अपने सिटी बेतिया पहुँच चुके हैं देख सकते हो, और यहाँ से अभी जाना है लेफ्ट नहीं राइट, हाँ राइट, उसके बाद चलते हैं घर को। अब यहाँ से नहीं भी तो यार अभी फिर भी 5-6 किलोमीटर अभी एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा बच गया, गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी इसलिए वॉश करा लेते हैं पहले, पॉलिश वॉलिश कराते हैं, एकदम चकाचक बनाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर को, सबसे पहले वॉश करा लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा हो गया है गाड़ी का धुलाई और साइड हमारी चमक रही है, अब चलते हैं घर, घर भी अभी है ही, अभी थोड़ा दूर है। तो फ्रेंड्स फाइनली मिठाई उठाई ले लिया है और बस अब कुछ ही दूरी पे है घर, तो चलते हैं फटाफट से। ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा सा है, गाड़ी इतनी सुंदर लग रही है ना, भयंकर कैसे कबाड़ी जैसी हो गई थी, कोई ख़त्म हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा। हाँ मस्त लग रही है, चमक रही है बाइक। भाई साहब जो रिएक्शन मिल रहे हैं ना बच्चों के, खतरनाक वाला यार। बहुत बढ़िया है जो नाम, अरे जीते रहो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। बाप रे भाई फोन सब बंद करो, हैं गरम बहुत हो तो ना हो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर अपने, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, कल को बनाएंगे अब दूसरी वीडियो, बाय।